हेलो एवरीवन, मैं आभा त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे फलाहारी पुआ। ये खाने में जितना टेस्टी होता है बनाने में उतना ही आसान होता है। इसे हम 3-4 दिन तक का स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है और आपको जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक केला लेंगे, आधा बाउल सिंघाड़े का आटा लेंगे, 7-8 बादाम लेंगे, किशमिश लेंगे, हरी इलायची लेंगे, 2 चम्मच कोकोनट पाउडर लेंगे और आधा बाउल शुगर लेंगे। अब हम केले को छील लेंगे और इसके स्लाइस काट लेंगे। अब हम केले को मैश कर लेंगे। इसमें आधा बाउल शुगर डालेंगे, आधा बाउल सिंघाड़े का आटा डालेंगे, 2 चम्मच कोकोनट पाउडर डालेंगे, कुटी हुई इलायची डालेंगे, कटे हुए बादाम डालेंगे और किशमिश डालेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इस बैटर को तैयार करने में आधा बाउल पानी लगा है, आप इसकी जगह दूध भी यूज कर सकते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गया है, बैटर तैयार हो गया। हमको इतना ही थिक बैटर चाहिए। अब हम फ्राई पैन चढ़ाकर गैस ऑन कर देंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तो हम इसमें घी डाल देंगे। घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देखिए घी गर्म हो गया। अब इस तरह हम चम्मच से बैटर डालते जाएंगे। इसको बीच में हम इस तरह हिलाते रहेंगे और जब एक साइड पक जाएगा तो उसको हम इस तरह पलट लेंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और जब घी ज़्यादा हीट होने लगेगी तो इसको लो फ्लेम कर देंगे। फ्लेम हम घी के हीट के अनुसार कम और ज़्यादा करते रहेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा फूल रहा है, ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फूला होना चाहिए। इसका बैटर गाढ़ा होना चाहिए जिससे बाद में ठंडा होने के बाद ये टाइट ना हो, क्योंकि ये सिंघाड़े के आटे से बना है और वो ठंडा होने के बाद कड़ा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ये ज़्यादा फूले तो आप इसको 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए, लेकिन हमने 10 मिनट रखा है इसलिए ये थोड़ा ही थोड़ा फूलेगा। इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही तरीके से टेस्टी लगता है। हाँ, ज़्यादा टाइम रखने से इसमें बनाते समय घी ज़्यादा लगता है और बनाने के लिए वेट करना पड़ता है। इसको इस तरह चलाते हुए इसके ऊपर घी डालते रहेंगे और इस तरह हिलाते रहेंगे। इसको इस तरह हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड आपका गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम पुए को दूसरी साइड पलट लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें जो गोल्डन ब्राउन हो गया उसको हम निकाल लेंगे और जो पका नहीं है उसको और पका लेंगे। फिर से इसी तरह हम बैटर डालेंगे और उसको इसी तरह चलाते हुए पका लेंगे।
ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और हम इसे ज़्यादा दिन के लिए रख भी सकते हैं, 3-4 दिन के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे बैटर को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक का पका लेंगे। ये देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी तरह हम सारे पुए को पलटते हुए पका लेंगे और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। सारे पुए हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। बहुत से लोग व्रत में एक ही टाइम नमक खाते हैं तो वो लोग इसको बना के रख सकते हैं और जब मन करे तब इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये मीठा होता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। देखिए ये भी पुआ मेरा बन गया है, हम इसको भी इस तरह पलट लेंगे और मेरा पुआ बन के तैयार हो गया। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा है, किस तरह मुड़ जा रहा है। ऐसे ही पुआ होना चाहिए आपका और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।